दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चीन की विशाल दीवार की ऐसे रोचक जानकारी, आप सुनकर दंग रह जाएंगे, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चीना के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों पूरी दुनिया में 7 अजूबे माने जाते हैं, जिनमें भारत का ताजमहल भी शामिल है, और दूसरा है ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसके बाद हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन और चीन की दीवार इत्यादि शामिल है। चीन की दीवार अपने निर्माण के समय, मजबूती और पुराने इतिहास के कारण विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों चीन की विशाल दीवार मिट्टी और पत्थर से बनी एक किलेनुमा दीवार है, जिसे चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया था। चीन की यह महान दीवार 2300 से अधिक साल पुरानी है। यह दीवार दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। चीन के पूर्व सम्राट किनशी हुआंग की कल्पना के बाद दीवार बनाने में करीब 2000 साल लगे। इस दीवार का निर्माण किसी एक सम्राट द्वारा नहीं किया गया, बल्कि कई सम्राटों और राजाओं द्वारा कराया गया था। इस दीवार को 1970 में आम पर्यटकों के लिए खोला गया था। इस दीवार की लंबाई 6400 किलोमीटर है। ये दुनिया में इंसानों की बनाई सबसे बड़ी संरचना है। दीवार को बनाते समय इसके पत्थरों को जोड़ने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया गया था। यह पूरी एक दीवार नहीं है, बल्कि छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनी है। इस दीवार में कई खाली जगहें भी हैं। यदि इन खाली जगहों को भी जोड़ दिया जाए तो इसकी लंबाई 8848 किलोमीटर हो जाएगी। इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 5 घुड़सवार या 10 पैदल सैनिक एक साथ गश्त कर सकते हैं। इस दीवार की ऊंचाई एक समान नहीं है, किसी जगह यह 9 फुट ऊंची है तो कहीं पर 35 फुट ऊंची है। इस दीवार से दूर से आते शत्रुओं पर नजर रखने के लिए कई जगह मीनारें भी बनाई गई थीं। चीन की विशाल दीवार को दुश्मनों से देश की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल परिवहन और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए किया जाने लगा था। इस चीनी दीवार को देश की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन यह दीवार अजय न रह सकी क्योंकि चंगेज खान ने 1211 में इसे तोड़ा और पार कर चीन पर हमला किया था। चीनी दीवार को यूनेस्को ने 1987 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। 1960 से 70 के दशक में लोगों ने इस दीवार से ईंटें निकालकर अपने लिए घर बनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन बाद में सरकार ने सुरक्षा बाधा दी थी। हालांकि चोरी आज भी होती है और तस्कर बाजार में इसकी एक ईंट की कीमत 3 पाउंड मानी जाती है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक तिहाई हिस्सा गायब हो चुका है। इसका कारण दीवार के सही रखरखाव की कमी के अलावा मौसम का प्रभाव और चोरी भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस दीवार को बनाने में जो मजदूर कड़ी मेहनत नहीं करते थे, उन्हें इसी दीवार में दफना दिया जाता था। आंकड़ों के अनुसार इसे बनाने में करीब 10 लाख लोगों ने जान गंवाई थी। इसी कारण इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यह एकमात्र मानव निर्मित संरचना है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। चीनी भाषा में इस दीवार को वान ली छांग छंग कहा जाता है, जिसका मतलब होता है चीन की विशाल दीवार। लगभग 1 करोड़ पर्यटक हर साल इस दीवार को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों बराक ओबामा, रिचर्ड निक्सन, रानी एलिजाबेथ और जापान के सम्राट अकिहितो सहित दुनिया भर के करीब 400 नेता इस दीवार को देख चुके हैं। तो ये थे चीन की विशाल दीवार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है कि चीन की सरकार इस विश्व विरासत स्थल की सुरक्षा के लिए और पुख्ता कदम उठाएगी ताकि इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संभाल कर रखा जा सके। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।